तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के फ्रेंड। आज इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, NIELIT की तरफ से जो कि वैकेंसी फ्रेंड निकल के आया है यहाँ पे फ्रेंड, जो कि इसका स्टार्टिंग डेट 2 तारीख से फ्रेंड इसका स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो इसमें फॉर्म फिल करने है फ्रेंड 31 अक्टूबर 2023 रखा गया है। फीस की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे SST PWD कैंडिडेट या वोमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है फ्रेंड, और जनरल एंड ऑल कैटेगरी जितने भी फ्रेंड आते हैं तो उसके लिए ₹200 चार्ज है। PWD SC ST फीमेल कैंडिडेट को फ्रेंड छोड़ करके यहाँ पे टोटल पोस्ट फ्रेंड देख सकते हैं, इसमें 80 मात्र फ्रेंड टोटल पोस्ट है। एज लिमिट देख सकते हैं 31/10/2023 से आपका एज लिमिट जो है कि कलेक्ट किए जाएंगे। 27 मिनिमम आपका फ्रेंड एज होना चाहिए तो फॉर्म का फिल कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं फ्रेंड क्वालिफिकेशन के अनुसार फ्रेंड यहाँ पे जो कि ग्रुप सी, ग्रुप लैब असिस्टेंट, बी ए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बी देखने के लिए मिलता है फ्रेंड। इस तरह से आप जो कि फॉर्म को फिल करेंगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे। अगर फ्रेंड जो है कि आप लैब असिस्टेंट ए के लिए फ्रेंड अगर आप फॉर्म की फिल करना चाहते इसमें देख सकते इंटर साइंस फ्रेंड आपको चाहिए, इसमें फ्रेंड एक्सपीरियंस जो है कि आपको यहाँ पे देख नील क्या हुआ एक्सपीरियंस नहीं भी रहेगा तो भी फ्रेंड आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर मैट्रिक अगर आपने मैट्रिक के बाद फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो तब जाकर के आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर इंटर लेवल से भरे तो नहीं चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड इसमें क्वालिफिकेशन है जो कि आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लेंगे। अगर फ्रेंड आप मैट्रिक पास हैं तो सिंपली फ्रेंड हेल्पर के लिए जो कि आप देख सकते हैं बी, या ट्रेडमैन के लिए जो कि आप बी ग्रुप देख सकते हैं। इस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते जिसमें सिर्फ मैट्रिक पास और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और किसी किसी में 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए या 6 ईयर्स का, तो इस तरह से फ्रेंड आपको देखने मिलता है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं फॉर्म को फिल कैसे करते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए फ्रेंड आपको इस वेबसाइट पे फ्रेंड आपको आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप क्लिक करेंगे आप फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड आने के बाद देख सकते हैं यहीं से फ्रेंड आप जो कि यहाँ पे इसका न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फ्रेंड आपको लॉग इन करना होता है सारा नोटिफिकेशन को फ्रेंड एक बार आप चेक कर लेंगे। फॉर्म को फिल करने से मैट्रिक पास आउट है फ्रेंड, या आपने मैट्रिक इंटर साइंस से किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है 6 ईयर्स का या 2 ईयर्स का, तो इजिली फ्रेंड आप जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के लिए फ्रेंड देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन टेक्नोलॉजी के लिए फ्रेंड है, अच्छी खासी फ्रेंड वैकेंसी है। तो आपको चलिए फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। सिंपली फ्रेंड फर्स्ट यहाँ पे आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। सिंपली इस पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रेंड कैंडिडेट का फर्स्ट नाम फिल करेंगे, कैंडिडेट का मिडिल नाम बताएंगे, लास्ट नेम बताएंगे जो भी है अच्छी तरह से फिल करेंगे, कैंडिडेट का फादर्स का नाम फिल करेंगे, कैंडिडेट का मदर्स का नाम फिल करेंगे, गार्जियन का नाम फ्रेंड यहाँ पे बताएंगे, फादर्स का नाम फिल करेंगे गार्जियन के नाम के जगह, या फिर किसी और का आप गार्जियन के नाम के जगह जो भी आप चूज करना चाहते हैं फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं आप। यहाँ से फ्रेंड आपको जेंडर बताना है मेल फीमेल है जो भी है, यहाँ से बताएंगे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे फिर यहाँ से चूज कर लेंगे इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ। कैटेगरी फिर बताएंगे जनरल आते हैं या फिर EWS आते हैं या फिर OBC आते हैं SC ST जो भी आते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। PWD कैंडिडेट आप आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं आते तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आईडी कार्ड बताएंगे फिर आप अपना आईडी कार्ड क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड या जो भी बैंक पासबुक विद फोटो प्रूफ आपके साथ जो भी लगता है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसका यहाँ पे फिर आईडी का नंबर यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे, डिक्लेरेशन देंगे फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन फ्रेंड सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद फ्रेंड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे फ्रेंड आपका OTP आता है, दोनों का फ्रेंड यहाँ पे OTP फिल कर देंगे, कंटिन्यू पे फ्रेंड क्लिक कर देंगे आप। फिर से कंटिन्यू पे फ्रेंड जैसे आप क्लिक करते हैं आपका मोबाइल और ईमेल का OTP वेरिफिकेशन हो जाता है फ्रेंड, सारा डिटेल्स को फ्रेंड आप एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे, कहीं मिस्टेक लगता है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड सिंपली आपके यहाँ पे 7 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे सिंपली आपको क्लिक करना है फ्रेंड। उसके बाद फिर यहाँ से ओके के लिए पूछेगा, ओके कर देंगे, ओके करेंगे फ्रेंड आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी देखने के लिए मिलता है, पासवर्ड फ्रेंड आपके मोबाइल नंबर पे सारा चीज मैसेज चलेगा। सिंपली आपको फ्रेंड यहाँ पे क्लिक हेड टू लॉगिन वाले ऑप्शन सिंपली आपको फ्रेंड क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से आपको आ जाना है फ्रेंड, यहाँ पे अपना आईडी डालना है फ्रेंड, उसके बाद जो आपने आधार कार्ड में फ्रेंड चूज किया वो अपना यहाँ पे आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड सिंपली कैप्चा को डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आप। जैसे फ्रेंड आप लॉगिन पे फ्रेंड फिर से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रेंड जो कि मोबाइल और ईमेल पे OTP आता है, दोनों में कोई भी एक आप यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा वो यहाँ पे टाइप करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन वाले पे फ्रेंड सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं इस तरह से फ्रेंड आपको जो कि डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे फ्रेंड आपको जो कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, पर्सनल डिटेल्स, फिलअप एप्लीकेशन, एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन, उसके बाद व्यू एंड प्रिंट देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से आपको सारा चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद फ्रेंड सिंपली आपको पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन फ्रेंड क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल्स फ्रेंड आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके फ्रेंड नीचे आएंगे, यहाँ से फ्रेंड आपको 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पे फ्रेंड बताना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना जो गवर्नमेंट सर्विस आप कोई भी करते हैं तो यस या नो करके बताएंगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। एक्स सर्विस मैन आप अगर है तो नो करेंगे, अगर है तो फ्रेंड यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो पे कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना एड्रेस को फिल करेंगे अच्छी तरह से, सिटी टाउन जो भी आते हैं वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, स्टेट कौन सा आता है फ्रेंड वो आप यहाँ से चूज करेंगे, पिन कोड बताएंगे, नेशनलिटी फ्रेंड चूज करेंगे। यहाँ से फ्रेंड अगर फ्रेंड आपका दोनों सेम रिलीजन है आप सेम पे क्लिक कर देंगे आपका यहाँ पे फ्रेंड सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड पूछा जाता है क्रिमिनल रेंज से अगर आप फ्रेंड आते हैं कोई भी तरह का केस या कुछ भी आपके अगेंस्ट हुआ है तो बताएंगे यस नो करके, अगर नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। PWD कैंडिडेट अगर आप आते हैं 40% से कम तो आप यहाँ पे यस या
नो करके बताएंगे, नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर आपको फोटो अपलोड करना है जेपीजी फाइल में 50 KB के बीच में, फिर इजिली आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर चूज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड पे फिर सिंपली क्लिक करना है। इस तरह से हाइट और लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं बता दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है जिसका साइज फिर आपको जो कि 50 KB के बीच में रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं जेपीजी फाइल में आप इजिली फिर अपलोड करेंगे, फिर अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे चूज फाइल फिर क्लिक करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, फिर नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, सेवन प्रोसेस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। सेवन प्रोसेस पे फ्रेंड जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ से फ्रेंड वापस आप जो कि डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ से फ्रेंड ये वाला देख सकते हैं आपका सेक्शन फ्रेंड ग्रीन हो चुका है। आपको फ्रेंड फिर से आपको जो कि फिलअप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसी तरह फ्रेंड सभी पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करते हुए जाना है, सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फ्रेंड आने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ से फ्रेंड अपना रिलेशन बताएंगे आप जो भी फ्रेंड जो कि आप यहाँ से फ्रेंड रिलेशन बताएंगे नॉर्थ वेस्ट साइड से आप जो भी फ्रेंड आते हैं जो कि नॉर्थ साइड से या फिर जो कि वेस्ट साइड से ईस्ट से, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड वो चीज को यहाँ पे फ्रेंड चूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना होता है कि आप पोस्ट किस पोस्ट के लिए फ्रेंड फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड आप फ्रेंड जो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड आपको यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे हेल्पर के लिए फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, इस तरह से फ्रेंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से बताएंगे राइटिंग एग्जाम फ्रेंड आपको जो कि कहाँ पे फ्रेंड आपको एग्जाम सेंटर लगना है सिटी एग्जामिनेशन का, आप देखिए इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, जो भी नियरेस्ट लगता है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन बताना है फ्रेंड, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से बता देंगे सिंपली। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको बताना होता है यहाँ से फ्रेंड आपने किस साल फ्रेंड पास आउट किया अपना मेट्रिकुलेशन, उसका फ्रेंड यहाँ पे डेट बता देंगे। इस तरह से अपना डेट चूज कर लेंगे जो भी फ्रेंड आपको लगता है, अब वो फ्रेंड यहाँ से डेट मंथ बता के इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी बताएंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, परसेंटेज फ्रेंड आप यहाँ पे बताएंगे कितना आपका टोटल परसेंटेज था, डिवीजन यहाँ पे फ्रेंड सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो बताएंगे, फ्रेंड हाईएस्ट कोई क्वालिफिकेशन है फ्रेंड यहाँ पे एनी है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नीचे आएंगे, यहाँ से फ्रेंड आपको एक्सपीरियंस पूछा जाता है आपके पास कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड एक साल का है दो साल का तो वो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो फ्रेंड सिंपली आप यहाँ पे नील करके छोड़ देंगे फ्रेंड या फिर जीरो करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पे फ्रेंड बता देंगे आपका फीस कितना लग रहा है फ्रेंड, वो आपको यहाँ पे टोटल दिखा देता है, सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स को फिल करके उसके बाद सेव और सेकंड स्टेप यहाँ पे जो कि वन कंप्लीट हो जाता है, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे आप। सेकंड स्टेप में फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड जो कि आपको एक्सपीरियंस के लिए मांगा जाता है, अगर है तो यहाँ पे ऐड करके बताएंगे, उसका फाइल यहाँ पे फ्रेंड जो कि 250 KB के बीच में पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे, नहीं तो फ्रेंड सिंपली आप यहाँ पे जो कि नेक्स्ट सेकंड स्टेप टू पे क्लिक कर देंगे प्रोसीड वाले पे। सेकंड में फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड आपको मार्कशीट मांगा जाता है, फ्रेंड आपको मैट्रिक का मार्कशीट फ्रेंड अपलोड करना है 250 KB के बीच में फ्रेंड रखना है, मार्कशीट का साइज फ्रेंड 1000 KB के बीच में पीडीएफ फाइल में फ्रेंड आपको अपलोड करना होता है, ये चीज को ध्यान में रखेंगे। मार्कशीट को अपलोड करेंगे फ्रेंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी वो आप यहाँ पे बताएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फ्रेंड अपलोड करना है, जो फ्रेंड आईडेंटिटी चूज किया उसको फ्रेंड आप यहाँ पे अपलोड करके सेव स्टेप थ्री प्रोसीड वाले ऑप्शन फ्रेंड सिंपली आपको फ्रेंड क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड आपके पास क्लास 10 का अगर सर्टिफिकेट भी है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड इसको छोड़ सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जो कि थ्री स्टेप पे प्रोसीड कर देंगे, ओके कर देंगे। आपसे फिर वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, इसलिए फ्रेंड आपको सर्टिफिकेट भी देना मैंडेटरी है, सिंपली सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देंगे फ्रेंड मैट्रिक का। उसके बाद अपलोड करते फ्रेंड आपको इस तरह से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है फ्रेंड, सारा डिटेल्स फ्रेंड आपको यहाँ पे शो कर जाते हैं, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे फ्रेंड, नीचे आएंगे फ्रेंड यहाँ से सारा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलता है, कभी मिस्टेक लगता है तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड सिंपली आपको यहाँ पे जो कि सबमिट एप्लीकेशन पे सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट पे फिर आप जैसे क्लिक करते हैं वापस से यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, आपको फ्रेंड डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे फ्रेंड आप जैसे क्लिक करेंगे आपको देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आने के बाद फ्रेंड प्रिंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने सिंपली आप व्यू प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, इस पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रेंड आपको जो कि एप्लीकेशन नंबर को सिलेक्ट करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे फ्रेंड स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, सिंपली नीचे आएंगे फ्रेंड यहाँ से आपको डाउनलोड एप्लीकेशन का जो कि अगर फ्रेंड आप जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको फ्रेंड फीस देना पड़ता है, ये भी फ्रेंड पेमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इजीली आप नेट बैंकिंग या QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते थे, अदरवाइज कैटेगरी का कोई भी पेमेंट नहीं लगता है फीमेल कैंडिडेट का। तो यहाँ पे देख सकते आपको डाउनलोड का एप्लीकेशन मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके फ्रेंड आप रख सकते हैं, इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया, आई होप कि फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, मिलते फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में।